अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार सामने आ जाओ सामने भैया। दादा खड़े रहो ऐसे एक मिनट यार। हाँ 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 बस इधर देखना ऐसे हो ना। अरे दादा इधर हो जाओ बस एक दादा मेरी बात सुनो क्या मन लो दादा आइए फिर आप फ्री होके करते हैं मुलाकात। एक मिनट यार बाबा प्राथमिकता रहेगी आप फिर क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर। सोनकर जो है इंदौर और भोपाल जो मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी दोनों का केंद्र है और जिस प्रकार का विकास सोनकर में होना चाहिए था आज तक नहीं हुआ, तो हम लोगों का सभी का प्रयास होगा कि हम सब मिलकर सोनकर विधानसभा को मध्य प्रदेश की सबसे विकसित विधानसभा। भैया क्या मानते थे सोनकर की सीटें पूर्व मंत्री सत्य सिंह वर्मा लगातार यहाँ जीतते आ रहे थे, अब आपके लिए भी एक कड़ी चुनौती रहेगी वहाँ से बीजेपी को? बिल्कुल नहीं, 1% की चुनौती नहीं रहेगी। सोनकर विधानसभा मूल स्वभाव उसका हमारे भारतीय जनसंघ के समय से 1956 में भारतीय जनसंघ हमारा वहाँ पर जीत हासिल किया है और अभी तक भी वहाँ पर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी को हमेशा वहाँ से आशीर्वाद मिला है और हम फिर वहाँ पर कमल खिलाकर उस क्षेत्र का पूरा विकास करें। भैया आपकी पार्टी के विधायक द्वारा कहीं ना कहीं पूर्व विधायक द्वारा नाराजगी जाहिर की सोशल मीडिया पर विरोध किया गया उनका दर्द भी जलता है। मुझे आपकी जानकारी मिली, मेरी जानकारी मिली है और जादवपुर विधायक जी की बात है वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत अनुपस्थित सिपाही हैं, कार्यकर्ता मेरे मित्र हैं, युवा मोर्चे में हमने लंबे समय तक काम किया और हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए काम किया। मैं चूंकि सावेर के बाद सोनकच आपके लिए नया क्षेत्र है? मेरे लिए नया हो सकता है लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमारा परिवार बहुत वृद्ध परिवार है। भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन, हर बूथ पर हमारे कार्यकर्ता पूरी निश्चित रूप से खड़ा है, पूरी तैयारी के साथ और मजबूती के साथ खड़ा है और हम सब मिलकर निश्चित रूप से हजारों वोट। भैया अध्यक्ष का कहना है कि राजेश सोनकर को वहाँ के गाँव क्षेत्र में मालूम कैसे चुनाव लड़ेंगे? मैंने कहा ना भारतीय जनता पार्टी हमारी सभी जगह है, पूरे देश में हर बूथ पर हम मजबूत है। चुनाव व्यक्ति नहीं लड़ता है, संगठन लड़ता है, पार्टी लड़ती है, भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर। भैया कितने वोटों से जीत का आसार लेके चले आप? निश्चित 25,000 से अधिक वोटों भैया।